बीजेपी एमएलसी पंकज सिंह चौहान के एसआर ग्लोबल स्कूल के हॉस्टल में 13 वर्षीय छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले में दिन पर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब पुलिस भी प्रिया राठौर की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सोशल मीडिया का जाल तोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रिया राठौर के इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई चैट के प्रिंट निकालकर परिजनों ने एक फाइल भी तैयार की है। उस फाइल को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें 170 पेज में इंस्टाग्राम चैट है। प्रिया का इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम ब्लैक डायमंड है। पुलिस इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में जानकारी जुटा रही है जिससे प्रिया ने चैट के जरिए बातचीत की थी। इसमें पुलिस को कुछ ऐसे भी चैट्स मिले हैं जो काफी उलझे हुए हैं, जिसको सुलझाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। 20 जनवरी को एसआर कॉलेज के हॉस्टल में प्रिया नामक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले की गुत्थी दिन पर दिन उलझती चली जा रही है। जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, परिजन भी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं ये मामला और पेचीदा होता चला जा रहा है। इसके साथ ही परिजन भी स्कूल प्रशासन पर इस मामले को दबाने का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने इस घटना का क्राइम सीन दोहराया था, तो पुलिस को इस मामले में कुछ खास मदद नहीं मिली थी। इस दौरान पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि उनकी बेटी का वजन जितना था उसके आधे वजन का पुतला वहां से गिराया गया, तो इससे क्या कुछ खास रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल इस मामले में अब परिजनों ने एक फाइल तैयार की है जो पुलिस को सौंप दी है। वो है इंस्टाग्राम फाइल, जिसमें 170 पेजों की फाइल तैयार हुई है, उसके वो पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पुलिस अब सोशल मीडिया की मदद से प्रिया की मौत का राज सुलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस को अभी इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है, तो वहीं इस मामले की जाँच भी लगातार चल रही है। जिस तरीके से इससे पहले पुलिस के हाथ एक लेटर लगा था जिसमें खलीलाबाद के एक क्रिकेटर का जिक्र किया गया था, फिलहाल उस लेटर में खलीलाबाद क्रिकेटर का नाम नहीं दर्शाया गया था, केवल और केवल क्रिकेटर का जिक्र था। पुलिस उस क्रिकेटर से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद पूछताछ करने का दावा कर रही थी। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में वार्डन से पूछताछ करने की बात कही गई थी, स्कूल परिसर में जो बच्चे रहते हैं उनसे भी इस मामले में बातचीत करने की बात कही जा रही थी, तो फिर भी पुलिस इस मामले में अपनी जो जांच है वो जांच करने में जुटी है। लेकिन परिजनों का जो आरोप है, पुलिस इसमें जांच में हीला हवाली कर रही है। फिलहाल अब जो सोशल मीडिया अकाउंट जो खंगाला जा रहा है उसको भी लेकर पुलिस काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। और इसमें एक खास बात ये है कि जिस तरीके से प्रिया ने जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था उसका नाम ब्लैक डायमंड रखा था, और ये अकाउंट वह अपने पिता के नंबर से चला रही थी। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस को कितनी सफलता मिल पाएगी, या फिर इस हत्या या हादसा या फिर सुसाइड जो भी है, फिलहाल उसका खुलासा पुलिस कब तक कर पाएगी। आपको बताते चले कि जालौन की रहने वाली जसराम राठौर की बेटी 13 साल की प्रिया राठौर एसआर स्कूल के हॉस्टल में रहकर 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। 20 जनवरी की रात हॉस्टल में ही प्रिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। इस घटना को बीते 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन जाँच बेनतीजा है। इससे प्रिया राठौर की मौत का राज और गहराता जा रहा है। एसआर कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है, तो आखिर हॉस्टल में जो प्रिया के पास मोबाइल था तो वो मोबाइल किसका था और उसको किसने दिया, ये सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। फिलहाल उस मोबाइल से इंस्टाग्राम भी वह प्रिया नामक छात्रा चला रही थी, जिसका नाम ब्लैक डायमंड रखा गया था। इसमें जिस तरीके से उसका पासवर्ड रिकवर करना था तो रिकवर भी हो गया, क्योंकि परिजनों ने उस पासवर्ड को पहले रिकवर कराया, क्योंकि रिकवर होना इसलिए आसान हो गया क्योंकि वह अकाउंट पर जो नंबर था वो पिता का था, तो पिता ने जिस तरीके से उसको रिकवर कराया, उसके बाद उसकी चैट देखी, चैट के स्क्रीनशॉट लिए और उसकी एक फाइल तैयार कर दी और फाइल पुलिस को सौंप दी। जो ये इंस्टाग्राम चैट थे उसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एक अकाउंट लोगों के लिए उलझन बनी हुई है वो है 007 नाम से बना अकाउंट। उस पर जिस तरीके से प्रिया की चैट देखी गई है वो काफ़ी उलझाव भी है, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस काफ़ी कोशिश भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो अकाउंट पे बातचीत हुई है उसमें जो लोगों के नाम लिए गए हैं,
तो आखिर उससे जाहिर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो प्रिया का परिचित भी था। फिलहाल सोशल मीडिया के अकाउंट से जो पुलिस इस हत्या के राज को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्या पुलिस को इसमें सफलता मिलेगी या फिर ये भी अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी। हमारे सहयोगी फुरकान खान के साथ मोहम्मद कलीम, हैशटैग भारत न्यूज़, लखनऊ।